तीसरे मेहमान है सदाबहार शख्सियत, इनको मैं सदाबहार शख्सियत कहता हूँ, फैसल हमीद साहब को। फैसल हमीद साहब एक फलाही काम भी अंजाम देते हैं, बिजनेसमैन भी हैं और इम्पोर्टर्स भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक पे इनकी बड़ी अच्छी दस्तरस है और उसका एक अच्छा तजिया भी पेश करते हैं। तो फैसल हमीद साहब आज हमारे पास मौशी तजियार कार के तौर पर मौजूद है। थैंक यू फैसल हमीद भाई। फैसल हमीद साहब, आपका मुझे एक मौशी तजिया चाहिए कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि जनाब एसएमईज जो कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उनसे उनसे कोई तजावीज नहीं ली बजट के लिए। दूसरी तरफ वो ताजर जो टैक्स देता है, वफाक का भी सूबाई भी, फिर उनको ही क्यों तंग किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई, बात असल में ये जो रिजवान भाई ने बात करी ना, कि आप जब तक स्टेक होल्डर्स को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लेंगे ना, बिल्कुल सही। अब बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक अपने एसोसिएशन है, सही है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक के काम करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम करते हैं। अभी इन्होंने खुद ने बताया ना कि आरटीओ 1 का सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे नुमान भाई, यानी कि ये शादी हॉल वगैरह और अपने रेस्टोरेंट वगैरह, लेकिन इन पे इल्जाम है ना कि ये आबादी बढ़ा रहे हैं। सर खुशियां बांट रहे हैं हम तो, ये तो आप खुशियां बांट रहे हैं, सोशल फाज में कह रहे हैं, लेकिन आप आबादी बढ़ा रहे हैं। सर उसके लिए तो मर्दमशुमारी है ना, आप कम कर दो, इनको क्यों मार रहे हो? बात तो यही है ना, इसीलिए कह रहे हैं ना कि आबादी ना बढ़े। 25-26 करोड़ हैं, 24 गिन रहे हैं, अब ये पता नहीं शायद 20-22 हो जाएंगे। एक 90 एक एक मैं पूरे पाकिस्तान की बता, कराची की आबादी बता रहे हैं। वो तो सही है ना, 90 कराची वाले तो 90 ही है। जी जी, ये तो बिल्कुल सही फिगर है, इससे तो मैं बिल्कुल 100% जो है एग्री टू, क्योंकि कराची वाले 90 ही है। ठीक है ना। बात ये है सर के अभी बजट आने वाला है और बजट की जो गजक है ना, वो आपको पता है अच्छी तरीके से, क्योंकि पहले होता था कि बजट आता था तो सारे साल काम करने के बाद जो थे ना बजट की तरफ जाते थे। और तीन महीने पहले जो लोगों से सजेशन लेते थे, मुझे याद है कि होटलों में सेमिनार होते थे, बिल्कुल ऐसा है, और खुश होते थे कि यार हमने साल भर काम किया है, हमें रिलीफ मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्सेस डालना शुरू कर दिए, यानी बजट को एक डरावना जो है ना वो अपने जिन बना दिया कि फिर लोग बजट से डरने लग गए। और अभी वाला बजट तो मुझे नहीं समझ में आ रहा किस तरीके का होगा कि हम सब छुप रहे हैं कि अल्लाह करे बजट ना आए, क्योंकि ये माजरत के साथ सारे चीजें जो है ना वो कपड़े तो सारे सब चीजें चले गए, सारी चीजें तो अब स्टॉक होनी शुरू हो गई हैं। सर वो आप खुद ही कह रहे हैं ना कि स्मगलिंग बढ़ रही है, ये सारी सब चीज हो रही है। मुझे एक बात बताएं, मैं अपने एक इकोनॉमिक एनालिस्ट हूं, मैं किस चीज के ऊपर बेस आपको मैं फिगर्स दूं? यहां पे बात यह है, बहुत अच्छा काम हुआ, 20 दिन अपने 20 रुपए जो है वो अपने कम हो गए महीने भर में पेट्रोल के ऊपर, लोगों ने बड़ी शादियां ने बजाए, बड़ी खुशी करी है, चीजें सस्ती, लेकिन यही बात तो मैं कह रहा हूं कि फिर भाई सस्ती में तो करो ना, जो 20 रुपए से चीज 2000 रुपए की हो गई थी, भाई 20 रुपए कम करने थे, 200 रुपए कम करा दो। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, इन लोगों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। ये जो एसएमईज हैं, ये जो काम करने वाले लोग हैं, ये आपका मेन रीढ़ की हड्डी है। अभी शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लेकर आए, ठीक है ना, चैंबर के लोग मिले, सब चीजें हुई, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अपने जबरदस्त हुआ कि कभी भी एसएमईज को नहीं बुलाया, हमेशा चैम्बर फेडरेशन और मैन्युफैक्चर सेक्टर को ही बुलाते हैं। सर अब यही बात है ना कि ये तफरीक जब हम लोग खत्म नहीं करेंगे ना। नहीं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप क्या तवक्कात कर रहे हैं बजट से इस दफा? सर मुझे तो कोई अच्छी, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बुरी भी नहीं अच्छी भी नहीं है, तवक्को ही खत्म हो गई। मतलब कि डरा रहे हैं आप? तवक्को नहीं, डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, वैसे ही काम होगा, वैसे ही चलेगा, मिनी बजट, छोटा बजट, तो बड़ा बजट, सारा साल तो बजट ही आता रहता है। फिर दूसरी चीज ये कहते हैं करते नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ने हमारे मोहतरम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही कह दिया कि मेरी अच्छाई से आप लोगों को फायदा नहीं है, मेरे अच्छे काम से फायदा है। तो बात यह है कि बोलना, ऐलान करना अलग बात है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए, अमल दरामद होगी, सस्टेनेबल पॉलिसीज रहेंगी, हमें पता चलेगा कि हमें एक महीना काम किया, दूसरे महीने में हमें क्या फायदा होने वाला है, हम दूसरे महीने कैसे करें। आज मेरी एक इकोनॉमिस्ट से बात हो रही थी, तो उनका कह रहा था कि जब तक डॉलर के रेट
फिक्स ना हो ना, उस वक्त तक बजट की कोई अहमियत नहीं है। आप फिगर्स को कैसे आप करेंगे कि जब आपको पता ही नहीं है कि डॉलर का रेट कहां जाएगा। ओपन मार्केट 311 तक पहुंच गया, इंटरबैंक जो है 285 है, 285 में आपको डॉलर मिल ही नहीं रहे, तो आप कैसे बजट को आप यही तो बात करेंगे? है ना, अच्छा इंटरबैंक का रेट रखते हैं, मिलता है नहीं, ब्लैक पे जाने के होता है। फिर हर बैंक का अपना अपना अब मिजाज है, हर कोई अपने अपने उसके ऊपर अपने वो रेट दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये सर, चीख चीख के मेरा गला फट गया है भाई, हमारी एक्सपोर्ट, हमारी मईशत जो बेस करती है एक्सपोर्ट के ऊपर, हमारी एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट बेस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुदा के वाते इंपोर्ट की पॉलिसी सही करो। आज भी इंपोर्ट की लाइसेंसी नहीं खुल रही है भाई। देखे ना, अदारा शुमारियात ने जो फिगर्स दी है, आप यकीन करें कि होशुमा फिगर्स हैं, कि इसमें तो इंसान, मैं समझता हूं कि आप जो है तकरीबन इतने ज्यादा डिक्रीज हो चुके हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस से, और आपकी जो मईशत मोर देना 50% किनारे पे आई सर, मोर देना 50%। अभी आपने पिछला प्रोग्राम किया था, पाकिस्तान और रशिया के जो है वो अपने ट्रेड शुरू कर रहे हैं, किया? अभी तक खबर ही है, सही है ना? हाँ। मैं खबर देता हूँ ना आपको, मैं आपको खबर देता हूँ, सब काम हो गया। आज FPCCI की भी अपने वो अपने आए हैं, अलामिया आया है, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, ये एक्सपोर्ट के ऊपर करेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बॉर्डर पे करेंगे काम, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन बॉस एक चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट आप उस वक्त करेंगे ना जब आप इम्पोर्ट की पॉलिसी सही करेंगे भाई। आपकी एक्सपोर्ट की जो रॉ मटेरियल है, हाँ जी फैसल साहब जल्दी सर। सर बात यह है कि मैं तो बजट के ऊपर बात करूंगा, अच्छी अच्छी बातें करूंगा मैं आज। आज एक बजट पे तो ये भी इन्वॉल्व नहीं, मैं अच्छी अच्छी बातें करूंगा, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि भाई जो है वो बस हर वक्त आवाम की बातें करते रहते हो, कराची के अपने जो है वो चीजें करते रहते हो। बात ये एक खुशखबरी है कि आजरबैजान जो है मुल्क, उसने भी आपको अपने इंटरेस्ट जाहिर किया है कि यहाँ पे वो काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना। और ये माशाल्लाह IT अपने जो है वो भी जो है वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। बस यही है कि अपने वालों को पहले संभाल लें, फिर बाहर वालों को संभालेंगे। और बात यह है कि जो भी बजट है, बस यही है कि जो नए टैक्सेस ना लगें, जो टैक्सेस हैं उन्हीं में वो रिलीफ दे दें तो ज्यादा बेहतर है। नए टैक्सेस को बिल्कुल भी कोई भी ताजर, कोई भी बिजनेसमैन, छोटा बड़ा कोई भी हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता। आवाम का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, इससे ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा अगर एक भी नया टैक्स लगा। आप टैक्सेस को जो है वो लगा के और मार रहे हैं लोगों को, उससे ज्यादा बेहतर ये कि आप जो है ना वो अपने अपॉर्चुनिटीज दें काम करने। ठीक, ओके, आपने बात कर ली, एक लफ्ज में बता दीजिए मुतालबा क्या था, इस एक अल्फाज जुमले में मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ। सर मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, हम कारोबारी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, और आपकी हमारे साथ हर फोरम पे तावुन किया जाए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। जी जुदान साहब जल्दी से। मेरा सिर्फ यही अपना उनसे गुजारिश है गवर्नमेंट से, एक जो आम आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी है उसको रिलीफ दिया जाए, वो बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है। आपने अगर रिलीफ उसको दे दिया तो फिर मैं समझूंगा कि बजट जो है बहुत अच्छा है। जी जल्दी से एक लफ्ज में। सर रिलीफ यही है, मैं यही कह रहा हूँ कि रिलीफ यही है कि नए टैक्सेस न लगाए जाए। ठीक है जी, और बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन आज की बहस यहीं पर हम खत्म करते हैं, मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।